वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं आपका दोस्त कैनेडियन बनिया। सो दोस्तों, अगर आपने आज की वीडियो पर क्लिक किया है तो आप जरूर जानना चाहते होंगे कि वो ऐसा कौन सा डॉक्यूमेंट है, अगर वो आपकी फाइल में ना हुआ, अगर वो एयरपोर्ट पर इमिग्रेशन के टाइम आपके पास ना हुआ तो इमिग्रेशन वाले आपको डिपोर्ट कर सकते हैं। सो वैसे तो मैं आपके साथ ये डॉक्यूमेंट शेयर कर चुका हूँ अपनी वीडियो में। इमिग्रेशन वाली वीडियो अगर आपने अभी नहीं देखी है तो वो देख लीजिए, क्योंकि जो मेरा फ्रेंड है उसका इमिग्रेशन 25 to 30 मिनट चला था, उससे बहुत से क्वेश्चन किए गए थे। सो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है, मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है एंड आई बटन में भी मैंने उसका लिंक दिया हुआ है। सो आप वो चेक कर सकते हैं कि उससे क्या क्वेश्चनिंग हुई हाफ एन आवर में। सो करते हैं दोस्तों वीडियो स्टार्ट। सबसे पहले मैं आपको वो डॉक्यूमेंट बता देता हूँ, अगर वो डॉक्यूमेंट आपके पास ना हुआ। बट दोस्तों, बताने से पहले मैं एक बात बता देता हूँ कि यार कि ये वीडियो आपको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करनी है, क्योंकि ये नहीं दोस्तों, अगर उस डॉक्यूमेंट के बारे में आपको पता चल गया एंड आपने वो वीडियो किसी और को शेयर नहीं की तो उसे नहीं पता लगा, सो बाई चांस उनका साथ ये प्रॉब्लम हुई। सो नहीं दोस्तों, सभी कनेडा आना चाहते हैं, सो आपको ये वीडियो सबके साथ शेयर करनी है ताकि वो डॉक्यूमेंट सारे अपनी फाइल में लगा सकें। सो वो सबसे पहली बात आपको चेक करना है कि वो डॉक्यूमेंट आपका एक्सपायर ना हो। आपको एक्सपायर डेट फाइल में लगाते हुए हमेशा चेक करनी है उसकी। सो हाँ दोस्तों, आप समझ गए होंगे कि मैं मेडिकल की बात कर रहा हूँ। सो मेडिकल डॉक्यूमेंट आपका एक ऐसा डॉक्यूमेंट है, जब आप हॉस्पिटल में जाते हो, मेडिकल करवाते हो, आपके बाद उसके बाद आपको एक 2 पेजेस की एक फाइल दी जाती है, ई मेडिकल। सो वो डॉक्यूमेंट आपको कैरी करना है एंड ध्यान रखना है कि वो आपका एक्सपायर ना हो। सो इसकी प्रूफ भी मैं आपको दिखाता हूँ अभी कि कैसे स्टूडेंट ने मेरे साथ शेयर किया है। एक स्टूडेंट ने मेरे साथ व्हाट्सएप पे शेयर किया है कि मेरे ब्रदर को वापस भेज दे, जो कि मैं आपको अभी सैंपल दिखाता हूँ। एंड 2 स्टूडेंट्स ने मेरे साथ इंस्टाग्राम पर शेयर किया है। सो मैं अभी आपको शो करता हूँ विद प्रूफ। बट दोस्तों, से पहले कर लीजिए मेरा चैनल सब्सक्राइब, प्रेस द बेल आइकन एंड डोंट फॉरगेट टू फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है आप मुझे इंस्टा पर DM कीजिए, देन आई विल गिव आंसर ऑफ योर क्वेश्चन। सो शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली मेंबर्स जो भी यहाँ कनेडा आना चाहते हैं, और उन्हें बोलिए स्पेशली कि आप मेडिकल अपना जरूर कैरी कीजिएगा एंड चेक कीजिएगा कि वो एक्सपायर ना हो। दोस्तों बिना देरी किए करते हैं वीडियो स्टार्ट, आपको प्रूफ शो करता हूं मैं। उसके लिए चलना पड़ेगा मेरी मोबाइल स्क्रीन पर। सो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं मैंने पहले ही बोला है आपको, स्टूडेंट्स रिपोर्टेड बैक टू इंडिया बिकॉज ऑफ ओनली 1 डॉक्यूमेंट। सो मैं आपको विद प्रूफ शो करूंगा। सो वही प्रूफ शो करने के लिए मैं आपको अपनी मोबाइल स्क्रीन पर लाया हूँ। सो ये वीडियो एंड तक देखिएगा एंड उस डॉक्यूमेंट को जरूर अपनी फाइल में रखिएगा एंड शेयर कीजिएगा औरों के साथ। सो हेलो ब्रदर, वन ऑफ माई फ्रेंड्स लैंडिंग इन टोरंटो लास्ट नाइट। Airport officer told him that he can't do job for 6 months because his medical certificate is expired. Please tell me that where he can take appointment for medical and how can he apply for student permit again. So friends, देखिए आपका एक friend ने मेरे साथ share किया है कि उसका जो friend है वो Toronto में last night landed हुआ है और airport officer ने उसे 6 month का job visa नहीं दिया, work visa नहीं दिया, कि आप जो 20 hours study के साथ साथ काम कर सकते हैं वो आप अब नहीं कर सकते 6 month के लिए। means एक तरह से इन्हें ये punishment दी गई है कि आपका medical expired हो गया है और आप expired medical लेकर यहाँ आ गए हो, तो एक तरह से इन्हें एक punishment दी गई है कि आप 6 month तक कोई भी job नहीं कर सकते। सो वो अपने आप medical का आपको टाइम पीरियड देते हैं कि आपको दोबारा करवाना है और यहाँ से करवाना है। सो उन्होंने बोला है कि आप अपॉइंटमेंट कैसे ले सकते हैं, वो आप ऑनलाइन ले सकते हैं, मैंने आंसर कर दिया था इनको। सो नेक्स्ट आपको मैं शो करता हूँ। नेक्स्ट, इमिग्रेशन ऑफिसर विल नॉट गिव फुल स्टडी परमिट एंड वर्क परमिट इफ़ अ पर्सन कम विद एक्सपायर्ड मेडिकल बिफोर द अराइवल इन कैनेडा। सो इन्होंने भी यही शेयर किया है कि जो इमिग्रेशन ऑफिसर है वो आपको स्टडी परमिट नहीं देंगे फुल एंड आपको वर्क परमिट नहीं देंगे इफ़ अ पर्सन कम विद एक्सपायर्ड मेडिकल बिफोर the arrival in Canada। सो अगर आप एक्सपायर्ड मेडिकल के साथ आ रहे हैं, कनाडा में एंटर कर रहे हैं, सो ये आपको स्टडी परमिट एंड वर्क परमिट नहीं देंगे फुल टाइम का। दे विल ओनली गिव 6 month स्टडी परमिट एंड जस्ट टू रीशेड्यूल फॉर मेडिकल इन कनाडा। सो वो आपको 6 month का स्टडी परमिट दे देंगे एंड ये भी एक तरह से पनिशमेंट है कि आप मेडिकल करवाइए अपना कनाडा में, उसके बाद आप री अप्लाई कीजिए फॉर स्टडी परमिट, तब आपकी जो टाइम पीरियड है स्टडी परमिट का वो इंक्रीज कर दिया जाएगा। सो आई सजेस्ट everyone टू टेक मेडिकल अगेन एंड देन ट्रैवल। सो इन्होंने सजेस्ट किया है सबको। देखिए गाइस, जिसका भी है मेडिकल एक्सपायर्ड के साथ जो गया है वो अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहे हैं ताकि औरों के साथ ये प्रॉब्लम ना हो। सो फ्रेंड्स, अगर आपने ये वीडियो देखी है सो आप भी यही चाहते होंगे कि औरों के साथ ये प्रॉब्लम ना हो। सो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा इस वीडियो को एंड उन्हें पता लगे। एंड लास्ट प्रूफ तो बहुत ही, देखिए हेलो, मैं एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन शेयर करनी है। प्लीज़ मेडिकल जिन्हें दा एक्सपायर है वो करवा लो, चाहे एम्बेसी नहीं भी मानेगी फिर भी, बिकॉज कल मेरे ब्रदर नो एयरपोर्ट तो मोड़ता कि तेरा मेडिकल एक्सपायर है। सो फ्रेंड्स, मुझे थोड़ी सी पंजाबी कमी आती है, सो आपको लग रहा होगा मेरी
साउंड से कि मुझे पंजाबी कमी आती है, तो ज़्यादा ध्यान मत दीजिएगा। मुड़ता कि तेरा मेडिकल एक्सपायर है, कहते कि दोबारा वीज़ा लगवाओ, बट ओदा कोई फॉल्ट नहीं सी, बिकॉज ओदा वीज़ा ओदे मेडिकल एक्सपायर होने तो पहला आ गया सी। सो ये बोल रहे हैं कि एम्बेसी ने उन्हें बोला है कि दोबारा मेडिकल कराओ, और उन्हें डिपोर्ट कर दिया गया है। नोट करिएगा, उन्हें डिपोर्ट कर दिया गया है, क्योंकि उन्होंने बोला एम्बेसी भी नहीं मानती पुराने नू और मेरे ब्रदर नू एयरपोर्ट से मोड़ता। सो डिपोर्ट कर दिया गया है उनको एयरपोर्ट से, उनका मेडिकल एक्सपायर था, बट वो फिर भी बोल रही है कि उनकी कोई गलती नहीं थी, क्योंकि जो मेडिकल एक्सपायर था वो वीज़ा आने के बाद हुआ है। सो प्लीज़ गाइस, कुछ नहीं होता जे आपा अपनी सेफ्टी लई करा के रख लिए हमें। सो आपको मैं यही एडवाइस करूँगा, अगर आपका मेडिकल एक्सपायर हो गया है, कनाडा के एयरपोर्ट पे आने से पहले आप अपना मेडिकल अगेन करवा लें। थैंक यू, प्लीज़ शेयर दिस, बिकॉज बहुत बुरा लगता है जदों बंदे नू एयरपोर्ट तो वापस मोड़ दें। सो देखा, थैंक यू। सो वो भी बोल रहे हैं कि थैंक यू फॉर शेयरिंग, बिकॉज आपको भी पता होगा जब किसी को कनाडा एयरपोर्ट से वापस घर की तरफ जाना पड़ जाए तो बहुत ही बुरा लगता है, बहुत ही ज़्यादा। सो अगर किसी के साथ भी ये होता है, सो आई थिंक इट इज़ नॉट गुड। सो आप जिस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, ताकि वो भी अपना डॉक्यूमेंट की फ़ाइल में इस डॉक्यूमेंट को लगा सकें, एंड अपने साथ साथ इस डॉक्यूमेंट की एक्सपायरी डेट को भी चेक कर सकें, अगर उनके पास टाइम पीरियड होगा सो इंडिया में वो दोबारा करवा सकते हैं। सो गाइस, यही थी आज की इंपॉर्टेंट न्यूज़, यही थी आज का इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट जो कि आपको कैरी करना है, एंड इसके बिना आपको मैंने बताया कि डिपोर्ट भी किया जा सकता है, या पनिशमेंट के तौर पर आपको स्टडी परमिट कम पीरियड का दिया जाएगा, या आपको वर्क वीज़ा नहीं दिया जाएगा 6 मंथ का। सो दोस्तों, ऐसा चांस ही क्यों लेना जिसमें हमें प्रॉब्लम हो। सो आप इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, एंड आप अपना मेडिकल जरूर अपनी फाइल में रख लीजिएगा। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड डोंट फॉरगेट टू शेयर दिस वीडियो विद अदर्स फ्रेंड।